उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रोजा पुलिस को बीती रात बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सराफ की दुकान से हुई बंदूक और लाखों के जेवरात की लूट की घटना का खुलासा करते हुए एक बदमाश को लूटी गई बंदूक व जेवरात के साथ दबोच लिया, जबकि तीन अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर रही है। सिंधौली थाना क्षेत्र के ग्राम भटपुरा रसूलपुर निवासी अनित गुप्ता की रोजा क्षेत्र में मोहम्मदी रोड पर सराफे की दुकान है। वह परिवार के साथ दुकान के ऊपर बने आवास में रहते हैं। 23 अक्टूबर की रात लगभग 2 बजे अज्ञात बदमाश दुकान का शटर काटकर अंदर घुस गए और अंदर रखी तिजोरी का ताला तोड़कर करीब 10 लाख के जेवर और 2 नाली बंदूक लूट कर फरार हो गए। वहीं इस दौरान लूट की पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। बुधवार रात पुलिस की टीम ने घेराबंदी करते हुए बंडा थाना क्षेत्र के गांव लक्ष्मणपुर गौटिया निवासी हंस राम को लूटी गई बंदूक, कारतूस व लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरों के साथ दबोच लिया। आइए देखते हैं पूरा मामला। की रात में थाना रोजा अंतर्गत अनिल कुमार गुप्ता व्यवसायी उनकी दुकान का शटर उठा करके 4 बदमाशों ने लूट लिया था। इसमें 47 रहे जो वहाँ पे आरक्षी थे, उन्हें पता चला और उन तत्काल की घेराबंदी करके एक बदमाश को मैं लूट के सामान के सहित लगभग 25 किलो चांदी, 1 बंदूक और 25 कारतूस की पेटी और कुछ नगद पैसे इसके साथ पूरा जो है बरामद कर लिया। कांस्टेबल की सूचना पर जो है तत्काल जो थाना रोजा के सेक्टर अपनी टीम के साथ घेराबंदी किया था और कुछ सामान उसके साथ जो कुछ सामान उन्होंने लूट फेंक दिया था, वहाँ से बरामद किया। जो पूरा पूरी रिकवरी हो गई है, शेष 3 बदमाश जो है अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम की गई है और उनका प्रयास किया जा रहा है। पुलिस टीम चांदी बरामद की गई है, बाजारों की कीमत इसकी क्या कुछ होगी और जो पुलिस टीम है उसको किस तरीके से अवार्ड दिया जाएगा? जो इसकी कीमत लगभग 10 से 15 लाख के बीच में है पूरे, और जो हमारी रोजा की टीम है इस टीम को जो है नगद पुरस्कार से 5 साल में प्रसिद्ध। जैसे एक बड़ा सवाल है कि शाहजहांपुर में बड़ी तादाद में सस्ते लाइसेंस है जो कि आपका अच्छा या जानमाल के अच्छा के लिए लिए गए हैं, ऐसे में लाइसेंस धारक है इसकी भी लापरवाही रही है लाइसेंस को लेकर के, तो ऐसे लाइसेंस धारक चिन्हित किए जाएंगे या इस लाइसेंस धारक पर किस तरीके कार्रवाई की जा सकती है? लाइसेंस धारक का वो मकान भी है, दुकान ही नहीं है, मकान वहाँ रहते हैं, तो इस संबंध में जो है और कितने और लाइसेंस धारक संबंध को जागरूक किया जाएगा और कार्रवाई कराई गई। जैसे कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस मुठभेड़ की भी बात सामने आ रही है कि अपराधियों ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर भी किया है। फायर की बात गलत है और क्योंकि जब गिरफ्तारी हो रही है तो उसके पास जो दुख थी तो उन्होंने जो है किया था, तो फायर की बात है।